वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार द्वारा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत शुरू किए गए गौठान को अब मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसके तहत दुर्ग के धमधा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कोडिया में पशुधन विकास को लेकर की जा रही नई पहल। गौठान को अब मल्टी एक्टिविटी सेंटर का रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसके तहत दुर्ग के धमधा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कोडिया में पशुधन विकास को लेकर की जा रही नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत गौठानों में गिर और साहिवाल नस्ल के गौवंशों के साथ अब उच्च नस्ल की बकरियां भी वितरित की जा रही है। अजमेर से सिरोही, कोटा और गुर्जरी नस्ल के बकरे बकरियां लाए गए हैं। 36 घंटे का सफर तय कर बोरी पहुंचे इन मवेशियों को कुछ समय सुस्ताने के बाद गौठानों में पहुंचा दिया गया है। यहां हम आपको बता दें कि राज्य सरकार की योजना के अनुरूप गौठानों को मल्टी एक्टिविटी सेंटर बनाने और पशुधन के विकास को लेकर बड़ी तेज गति से कार्य किए जा रहे हैं। गौवंशों मवेशियों के नस्ल सुधार पर काम तो हो ही रहा था, अब बकरी पालन को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जिले में ब्रायलर मुर्गी पालन की शुरुआत भी की गई है। समूह की महिलाओं को गौठान से जोड़कर उनकी आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार पहल की जा रही है। ब्रायलर मुर्गी पालन गौठान से जुड़ी महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ब्रायलर मुर्गी तेजी से विकास करती है, जिससे कम समय में ही वजन बढ़ जाता है। ब्रायलर मुर्गी पालन इन महिलाओं के लिए बेहतर आय का जरिया बन रहा है। इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ अश्वनी दिवांगन ने जानकारी दी है। घंटे का सफर कर बोरी पहुंची खास नस्ल की बकरियां, किस प्रकार का पहल है? पहले भी हम लोग गौठानों में लगातार विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। पूर्व में हेचरी और मुर्गी पालन के क्षेत्र में लगभग जिले में 41 शेड में 6 हेचरी में हम लोग मुर्गी पालन कर रहे हैं, जिससे लगभग 36 लाख की आमदनी हो चुकी है। वर्तमान में बकरी पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 29 गौठानों में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें 24 गौठानों में हम 10+1 बकरी और एक बकरा का यूनिट दे रहे हैं, ताकि वहाँ पे ब्रीडिंग कर सके और बकरी पालन को बढ़ावा दे सके और उनके बच्चों को हम फिर बेच सके। वैसे ही 5 जगहों पे हम 30+2 का कर रहे हैं, कुछ जगहों पे छोटे स्केल और कुछ जगह पे बड़े स्केल में करने का कारण ये है कि जहाँ पे स्व सहायता समूह ज़्यादा एक्टिव हैं वहाँ पे हम बड़ी यूनिट ले रहे हैं, ताकि उसकी देख रेख अच्छे से हो सके। ये सिरोही प्रजाति की बकरियाँ हैं जो DD वेटनरी के माध्यम से हमको प्राप्त हुई हैं। बेसिकली इनका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, इस कारण से इस प्रकार की बकरियों का पालन किया जा रहा है, ताकि पालन करने वाले समूहों को पर्याप्त मात्रा में आय हो सके और उसके आय का जो सर्कुलेशन है वो जल्दी हो सके। प्रथम चरण में कितनी बकरियां आई हैं? लगभग वर्तमान में हमारे पास 200 से अधिक बकरियां आ गई हैं, 350 के करीब आनी है, जिसमें 200 से अधिक बकरियां अब तक आ चुकी हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।